देखिए गाइस, मैं और मेरे साथ दो बंदे भी चल रहे हैं और पैदल यात्रा जो है हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है ना। और सामने देखिए स्कूटी वाले भी आ रहे हैं, पर हमें लिफ्ट नहीं देंगे क्योंकि क्या है ना, हम लोग बहुत कंजूस हैं, हम लोग के पास पैसे नहीं होने की वजह से हम लोग पैदल यात्रा करते हैं और ये हम लोग का डेली रूटीन। कंपनी हम लोग के लिए हवाई जहाज़ दे रहा है, अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है, तब पता नहीं कब तक आ जाएगा। जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग क्या ना डेली बेस पे ऐसे ही हम लोग रोड शो करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारा जो पैदल यात्रा है वो कंटिन्यूसली इसी तरह चलता रहेगा आने वाले साल तक। तो अभी तो हमें चलते चलते 2 साल हो गए हैं। देखिए गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डोंगरी गुड़ा गाँव। यही गाँव जो कि है बहुत फेमस गाँव है, देखिए डोंगरी गुड़ा। बहुत गर्मी लग रहा है गाइस, चलते चलते थक चुके हैं हम लोग एकदम। मैं देखिए गर्मी से क्या जाए, मैं बहुत बुरा हाल हो गया है एकदम। मौसम तो क्या है, गर्मी है, धूप तो नहीं है, पर गर्मी का जो एहसास जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत पसीना भी आ तो गाइस, हम लोग अभी क्या है ना पैदल चल रहे हैं, ठीक है, पैदल चल रहे हैं। और ये देखिए मेरे साथ जो है दो बंदे ये भी है, ये भी पैदल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये डोंगरी गुड़ा गांव है जो कि सेमरा से कम 2.5 किलोमीटर अंदर है, ठीक है। और कंपनी ठीक इसी के अंदर में है, ठीक है। इसके बाद एक रेलवे क्रॉस आने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो तक फुली बने रहिएगा ताकि जो हमारा दुख दर्द है ना वो आप तक शेयर करूँगा भाई, ठीक है। देखिए एक बाइक आ रहा है पर ससुरा नहीं बैठाएगा, रोक के देखता हूँ। भैया रुकिएगा, नहीं रुके गाइस। हम लोग रेलवे क्रॉसिंग को पार कर चुके हैं, ये रहा हमारे पीछे रेलवे क्रॉसिंग। तो आप देख रहे हैं कि सेमरा से जो है डोंगरीगुड़ा से प्लांट की दूरी जो है कम से कम आधे घंटा, मैंने 15-20 मिनट बोला था, मिनिमम जो है वो आपका 30 मिनट लगेगा। तो आप जब भी क्या है ना सेमरा उतरिएगा और इस प्लांट पे आने का जब भी कोशिश कीजिएगा तो कम से कम आपको क्या ना पैदल यात्रा में आपको 30 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगेगा, जो कि सेमरा से डोंगरीगुड़ा एक गांव है उसके बीच से चलना पड़ेगा। और ये रोड जो है कम से कम अच्छा ही है रोड भी, आप देख ही सकते हैं। और ये मूत्राशय करने जा रहे हैं देखिए, हाँ। और ये जो है बाइक निकला यार दोस्तों, किसी ने लिफ्ट नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग पैदल चले जा रहे हैं, किसी ने लिफ्ट नहीं दिया। और ये क्या हो, ये जो है ना ये डेली का रूटीन बन चुका है हम लोग का। डेली हम लोग आ रहे हैं, डेली हम लोग जा रहे हैं, सिर्फ एक वजह है कि कंपनी का गाड़ी ख़राब हो चुका है। कंपनी का गाड़ी ख़राब होने के कारण से हम लोग को क्या है ना डेली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, अभी खाना वाना बना के जल्दी उठ जाते हैं और उसके बाद हम लोग को अपने घर से, ठीक है, अपने घर से वहाँ से एक ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ कर सेमरा आते हैं। सेमरा से ठीक डोंगरीगुड़ा एक गांव है, वहाँ से पैदल जाते हैं अपने प्लांट में आने के लिए। और टाइम जो है कम से कम 30 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगता है, ठीक है। तो गाइस क्या है ना ये बहुत थकान भी हो जाता है ना चलने में, तो देखिए एक बाइक तो आपको बहुत दिखेंगे, बाइक दिखेंगे, सब दिखेंगे, पर यहाँ क्या है ना दुनिया ऐसा चीज़ हो गया है कि हेल्प करने वाले आपको बहुत ही कम मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि दुनिया में क्या है ना कि किसी पर विश्वास मत कीजिएगा और दोस्ती यारी भी सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आज का दुनिया में ना हेल्प करने वाले आदमी बहुत कम है, आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है, आपको आगे बढ़ने से रोकने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है, पर आपको क्या है ना गिरे हुए इंसान को आजकल उठाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो गाइस फाइनली गाइस मुझे एक हेल्प मिल गया। ये जो बंदा है जो मेरे साथ है ना, ये हमारे प्लांट में ही काम करता है, तो इन्होंने बोला कि यार क्यों पैदल चल रहे हो, मैं आपको हेल्प दे देता हूँ, आप मेरे बाइक के पीछे बैठ जाओ। तो गाइस इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, बंदा बहुत ही अच्छा है यार। तो दोस्तों इस बंदे के लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा यार, बंदा बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों यार, बहुत ही पैदल चला हूँ और थक गया हूँ,
करना पड़ेगा। लगता है बाइक थोड़ा बंद पड़ गया है, तो शायद मुझे उतरना पड़ेगा और फिर से लगता है पैदल चलना पड़ेगा। यार ये कोशिश तो कर रहा है यार दोस्त, लड़का तो बहुत ही अच्छा है, पर क्या करूं यार, किस्मत मेरी ख़राब है लगता है, तो मुझे शायद उतरना पड़ेगा। तो मैं उतर रहा हूँ बाइक से और शायद मैं पैदल चलूँगा। अब तो क्या नज़दीक आ ही गए हैं यार, बाइक में लगता है कुछ ख़राबी होने की वजह से मेरे को फिर से उतरना पड़ा, और क्या है अभी क्या ना उतरना पड़ा और फिर से मैं पैदल चल रहा हूँ। तो गाइस अगर देखिए उनका बाइक स्टार्ट हो गया है और पीछे ही है वो, देखे ना, तो गाइस वो अभी हो सकता है फिर से आएंगे और मेरे को बोलेंगे कि भाई बैठ, बाइक पर बैठ जाओ, तो हो सकता है मैं बैठूँगा या कि नहीं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, शायद बैठ ही जाऊँगा, क्या ना एक ही कंपनी के हैं तो बैठ जाऊँगा। तो फाइनली गाइज मैं बाइक पर तो बैठ गया हूँ, पर ये बंदे के लिए गाइज एक लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, ये बंदा बहुत ही अच्छा है यार, यार दिल से मैं इसके थैंक्स करना चाहूँगा यार। अब मैं चल रहा हूँ प्लांट में।